तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के एक नए अपडेट के बारे में और कह सकते हैं व्हाट्सअप के एक नए फीचर के बारे में। मैं आपको दो नए फीचर बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के, फिलहाल जो कि बीटा यूजर के लिए आ चुके हैं। इसमें से एक तो हो सकता है आपके पास आ भी चुका हो। तो क्या ये फीचर है, कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए जाना सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में या फिर अपने आई स्टोर में चले जाना है और अपने व्हाट्सअप को फुली अपडेट कर लेना है। बिना अपडेट करे अगर आप खोलेंगे तो हो सकता है ये फीचर आपको ना मिले। तो आपको अपने मोबाइल को पहले अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद तो आपको अपने व्हाट्सअप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको उसको यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी अपनी चैट पर चले जाना है जहाँ पर आपको कुछ सेंड करना हो। तो यहाँ पर जो नया फीचर दिया गया है वो ये है कि अब अपने WhatsApp पे आप HD फोटोज भेज पाएंगे, या बोल सकते हैं हाई डेफिनेशन फोटो भेज पाएंगे और हाई डेफिनेशन वीडियोस भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं WhatsApp में। तो कैसे करेंगे वो आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि बताया, आपको यहाँ पर क्या करना है, कैमरे पे क्लिक कर लेना है। कैमरे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको फोटो वाले फोटो सेलेक्ट कर लेना है अपनी कोई सी। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि नया ऑप्शन मिल रहा होगा HD फोटोज और HD वीडियोस। HD वीडियोस में भी आपको ये वाला ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पर क्या क्या, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, HD फोटोज आर क्लियर एंड स्टैंडर्ड फोटो हैज लेस स्टोरेज स्पेस एंड फास्टर टू बी सेंट। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, HD फोटो जो है क्लियर होती है बट स्टैंडर्ड फोटो में आपकी फोटो जल्दी सेंड भी हो जाएगी और कम स्पेस भी खाएगी, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्वालिटी में अगर आप फोटो भेजेंगे जो कि जाएगी 826x1280 के पिक्सल पे, और अगर आप हाई क्वालिटी में भेजेंगे 1897x2938 पे ये जाने वाली है। मतलब हाई क्वालिटी में फोटो जाएगी जो कि अच्छी फोटो जाएगी, क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। अगर आपको किसी को फोटो हाई क्वालिटी में भेजना है तो आप इससे कर पे भेजेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी क्वालिटी अच्छी जाने वाली है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ये दिया गया है, सबसे पहला फीचर ये दिया गया। उसके बाद जो सेकंड फीचर बताने वाला हूँ वो है वीडियो को लेके। तो यहाँ पर आपको वीडियो को लेके यहाँ पर मिल गया। अब अगर आप किसी वीडियो को शेयर करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी किसी वीडियो को ओपन कर लेना है जिसको आपको शेयर करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे ओपन करने जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वापस HD वाला जो कि पहले नहीं मिलता था। हो सकता है ये अभी आपको नहीं मिल रहा हो क्योंकि फिलहाल बीटा यूजर के लिए आया है, अगर कुछ टाइम बाद ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई, HD क्वालिटी क्लियर स्टैंडर्ड क्वालिटी लेस यूजर स्पेस एंड ये करके आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि इसकी क्वालिटी क्या है, 848x848 के पिक्सल पे ये यहाँ पर सेंड कर रहा है जो कि 23 MB की लगभग की वीडियो होगी। और अगर आप इसको HD क्वालिटी में भेजेंगे जिसका पिक्सल होगा 1280x720 का, जिसमें 44 MB की है आपकी वीडियो यहाँ पर सेंड होगी, लगभग डबल ही साइज का अंतर है स्टैंडर्ड में और HD क्वालिटी में वीडियोस में। HD वीडियो में भेजेंगे तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगी, अच्छी वीडियो जाएगी ताकि सामने वाला उसको अच्छे से देख सकता है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो लो क्वालिटी होगी, कम साइज़ में यहाँ पर जाइए। अगर आपके पास नेट कम है तो आप लो में भेजिए, नहीं तो आप HD में भेज सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और अगर मैं सेंड करूँगा HD में तो उसका सेंड करने का लेआउट भी यहाँ पर आपको चेंज दिख रहा होगा जो कि पहले अलग आता था। अगर आप ये वाली वीडियो भेजेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।